Resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. Jo opposition ne चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी वो नाकाम हो गई है, जमीर फरोशी हुई है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ये नहीं मानते हैं। हम समझते हैं ये हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, ये आखिरी साउंड बाइट जून की अभी पैकेज में चली कि ये बदतरीन हमला है और चेयरमैन सेनेट को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर बदतरीन हमला हुआ है आज। एक सवाल अचानक मेरे दिमाग में आ गया ओपनिंग देने से ही पहले, वो ये कि ये बदतरीन हमला किया किसने। सवाल यह पैदा होता है कि वो 14 अरकान सेनेट के कहां चले गए, उनको जमीन निगल गई या आसमान। मामलात अगर आपको ठीक करने हैं तो पहले आप अपने अंदर तो देखें। पीपल्स पार्टी के लोगों ने सेनेट की इस आज शर्मिंदा तरीन कार्रवाई के बाद अपने इस्तीफे बिलावल साहब को भिजवा दिए। अगर आप वाकई इस्तीफा देना चाहते हैं तो सेनेट चेयरमैन को भिजवाएं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा बदतरीन हमला था जमहूरियत पर, और शहबाज शरीफ साहब को तो यकीनन छांगा मांगा याद आ ही गया होगा, लेकिन आज हुआ क्या, आज की यह दास्तान। सवाल यह पैदा होता है कि आज एक तहरीक जिसके हवाले से बड़े जोरों शोर से अमल चल रहा था ऑपोजिशन का, और इट वॉज अ राइटिंग ऑन द वॉल, नंबर की कैलकुलेशन है, सबको पता था सादिक संजरानी साहब को आज घर जाना चाहिए था और हासिल बजिंजो साहब आज चेयरमैन सेनेट होते। लेकिन हुआ क्या, जब वोट पड़े तो पहले जब रेजोल्यूशन मूव की गई चेयरमैन में तो कहा गया कि जी हाथ खड़ा करें, कौन कौन हक में है कि सादिक संजरानी साहब को घर भेजा जाए। 64 सेनेटर्स ने अपने हाथ खड़े किए और हिमायत दी राजा जफरुल हक को एज पेंडिंग कि वो मिस मूव के हक में है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि बैलेटिंग सीक्रेट है। अब ये कानून साजी है, आप इसको असेंबली में चेंज कर दें और ओपन बैलेट करा दें। मैं तो वैसे ही इसके खिलाफ हूं भाई, सीक्रेट किस बात का, जब आपको किसी पार्टी ने सेनेट अपनी की सीट दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप तो डाई हार्ड, हमने ये सुना है, देखिए दो बातें सुनी है, या डाई हार्ड वर्कर जो जीत नहीं सकता उसको सेनेट की सीट दी जाती है, या वो जो सेनेट की सीट खरीद सकता हो, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि सेनेट की सीट करोड़ों रुपए में बिकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कहां गए। जब काउंटिंग हुई और वोटिंग हो गई तो ऑपोजिशन के हक में 50 वोट पड़े, जिसमें से उनके बाकायदा और 5 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन के लोग सेनेटर होने के बावजूद उनको यह नहीं पता था कि ठप्पा कहां लगाना है, तो जाहिर सी बात है, तो बच्चा भी जानता है कि आपने जानबूझकर यह हरकत की ताकि वोट रिजेक्ट हो जाए। अब क्योंकि यह सब कुछ बंद कमरे में हुआ, ना कैमरा था, ना फोन था, ना कोई गवाही है, ना शहादत है, आपका वोट है और अल्लाह जानता है कि आपने किसको दिया, तो दिया तो आपने हुकूमत को। अब यह सवाल पैदा होता है कि ये लोग गए कहां। 50 वोट पड़े, 5 रिजेक्ट हो गए और 45 वोट मिले हुकूमत को, जिसमें से ऑपोजिशन के 9 सेनेटर्स ने चुपचाप जाके हुकूमत के बैलेट में वोट डाल दी। तो भाई जमहूरियत पे हमला किसने किया, ऑपोजिशन ने? यही सवाल आज के हम प्रोग्राम में उठाएंगे। 3 गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आज हमें 3 सेनेटर्स ने ज्वाइन किया है क्योंकि सेनेट का ये अहवाल बयान करेंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, सेनेटर गौस नियाजी PMLN के एक सीनियर रुकन है, और सेनेटर ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन है। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी जवाब दिया, वो क्या कह रही थी पहले सुन लेते हैं फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं।
इमरान खान साहब की अदावत और बुगस के बहाने में सादक सजरानी को निशाना बनाया, आपका तीर जो है निशाने पे नहीं लगा, वो तीर वापस आके आपके सीनों पे व्यवस्थित हो गया। वेलकम बैक ज्ञान चंद साहब, क्योंकि तीर की बात निकली है और वो सीनों में पेवस्त हो गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज के इन मामलात को देखते हुए सुना है कि पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अपनी शर्मिंदगी दिखाते हुए बलावल साहब को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, तो क्या वजह है, क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप? देखिए, शर्मिंदगी दिखाने के लिए नहीं, पार्टी के साथ कमिटमेंट शो करने के लिए, और जो सेनेट में जिन जिन लोगों ने जमीर बेचा है तो उन लोगों को भी शर्मिंदा करने के लिए हम सब लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी रेजिग्नेशन पार्टी को दे दें, पार्टी बाकायदा इंक्वायरी करे और साबित करे कि भाई कौन जमीर फरोश लोग हैं जो पार्टी लाइन्स को क्रॉस करते हैं। तो ये हमारी पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट है जो शो करने के लिए हम समझते हैं। तो ये सेनेट की सीट भी पार्टी की थी, लेकिन हम तो वो जियाले हैं जो अपनी जानों को नजराना देने के लिए भी पार्टी हुए काम पे खड़े रहते हैं, तो वो पार्टी की सीट थी, हमने उनको तो दे हुआ क्या फिर सर, आज वो 14 लोग किधर चले गए? यही तो रोना है, यही तो रोना है कि 14 लोग जो आधा घंटा पहले खड़े होकर कह रहे थे कि 64 मेंबर्स कह रहे थे कि सादिक संजनानी को इस हाउस की अक्सरियत का एतमाद नहीं है, वो वहां से रिमूव हो जाएं, आधे घंटे के बाद वोट देने जाते हैं तो वोट जो है 5 लोग हमारे ऐसे निकलते हैं जो सेनेटर होकर वोट नहीं दे सकते हैं, 9 लोग जो है उस तरफ जाकर वोट दे देते हैं। तो इस पे क्या हम डेमोक्रेट जो है वो तबसरा करें, ये कोई जादू की छड़ी है जो जिसने बदल दिए वोट जो है उसमें, जादू की छड़ी है सर, तो जादू की छड़ी क्यों? ट्रांसपेरेंटली कहते हैं, सेनेटर कहते हैं कि हमें ये चेयरमैन पसंद नहीं है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो वो वोट नहीं निकलते हैं। इस पे तो अफसोस ही सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ही किया जा सकता है। ठीक है, जरूर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इसमें एक और भी अहम पहलू है जो आप उससे बच के निकल गए, लेकिन सर मैं चाहती हूँ सेनेटर गौस नियाज़ी उस पर कॉमेंट करें। सेनेटर साहब, पीएमएलएन की तरफ से और कुछ दीगर ट्वीट और चीजें और सहाफी भी कुछ चल रहे हैं कि पीएमएलएन को खदशा और कुछ शक जो है वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स पे जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि देखे ना, अगर संजरानी बच गए तो वो कैसे बच गए, सलीम मानवी वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी तो आज पहला दिन है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसमें पता चलेगा कि कौन, और ये बात तो छुपी नहीं रह सकती, आजकल 2-3 दिन या हफ्ते के अंदर सारा पता चल जाएगा कि किसने जमीन बेचा है, किसने प्रेशर लिया। ठीक है, और यकीन जाने कि आज तो पूरे सेनेट के ऐवान 12 नाम इसका, और पाकिस्तान का एक बिल्कुल सुप्रीम ऐवान है जिसको हम बड़ी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, और उसमें तो अक्सर जो है वो सारे सियासी पार्टियों के ऐसे लोग आते हैं जो हमेशा मंझे हुए सियासतदान हैं जिन्हें सारी उम्र सियासत की होती है, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो जिस तरह का कंडक्ट आज सेनेट मेंबरान ने किया, यकीनन हम तो मतलब आज आते हुए शर्मसार थे कि हम मीडिया को या आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे अपने 14 बंदे जो हैं उन्होंने जमीन बेच दिया, इसको हम एनालाइज करेंगे और इसको एनालाइज किया जाना चाहिए। कैसे, उसका तरीकेकार क्या होगा सर? उसका तरीकेकार क्या होगा, मतलब सीक्रेट बैलेटिंग या आप किसी पर इल्जाम तो लगा नहीं सकते? नहीं, हर पार्टी इजलास पर ला रही है, कल हमारे इन्होंने इस्तीफे पेश कर दिए, हम कल हमारी पार्टी शबाशी साहब सुबह 10 बजे इजलास पर ला लिया, हम उस पर गौर करेंगे कि किसने कहाँ किया, किस पे प्रेशर आया, किस पे अपना पैसे दे के वोट बेचा, क्या किया। फिर तो सेनेटर साहब एक बात बताइएगा, देखिए अगर एक सेकंड सर, कता कलामी माफ, दोनों मेरे ऑपोजिशन के सेनेटर्स, मैं वलीद आपके पास आने वाली हूँ गुफ्तगू क्योंकि बिकॉज यू आर द गवर्नमेंट देन यू विल कमेंट, मैं जरा ऑपोजिशन से एक बात पूछना चाहती हूँ सर, आप ये बार बार कह रहे हैं किस पर प्रेशर आया, किस पर प्रेशर आया, अगर प्रेशर उन पर आया होता तो वो जो सेनेटर्स हैं क्या वो एक रात पहले बलावल भुट्टो जरदारी साहब को या अपने दीगर कमेटी मेंबर्स को या चेयरमैन अपने अपना हासिल बजिंजो को या किसी सीनियर रहनुमा को ना बताते कि जी कल हम हाजिर नहीं होंगे, हम इसलिए नहीं हाजिर हो सकते या हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते कि हम पे प्रेशर आ रहा है? मतलब कार्रवाई के बाद अब आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है, उससे 24 घंटे पहले आपने अपने सेनेटर्स को घरों में बंद क्यों नहीं किया? नहीं, ये मतलब बंद करने वाली बात नहीं है, देखो ना, ये सोचने की बात यही है कि जब जरदारी साहब अपने सेंटर्स के साथ जब इलेक्शन लड़े थे
तो उस वक्त चूँकि उस वक्त की जो हालात चल रहे थे उस वक्त तो इनका किसी का मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा किसी पार्टी को उस वक्त ना तो कोई भी इंसाफ का वोट ज़ाया हुआ ना पीपल्स पार्टी का और ना किसी का। अब जब अपोजिशन में पीपल्स पार्टी आई है तो इनके वोट हो या दूसरी पार्टी हमारे वोट जो है ये होता है यकीन कोई फैक्टर ऐसा है इसको एनालाइज किया जाना चाहिए कि क्या आया कोई प्रेशर आया पैसा चला है जो भी है और इस पर गौर होना चाहिए पूरे अवान के लिए लम्हा फिक्री है। और ये देखो ना ये कोई अगर चे हमारी तहरीक नाकाम हो गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात तो आई गई होगी ये इस पूरे अवान को पूरा धक्का हुआ है। वलीद इकबाल साहब आपको क्या लगता है अगर मेरी एक बात मुकम्मल है देख के जी संजानी साहब को अब सिर्फ 45 वोट की हिमायत हासिल है और उसको 53 वोट होना चाहिए उनके लिए तो ये एक है कि आगे क्या होता है मेरे ख्याल में ये हालात जो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हमें इस तमाम पार्टी को बैठकर इसका एनालाइज करना चाहिए ताकि आइंदा जो है कुछ लोग तरीकेकार पे इख्तलाफ कर रहे हैं कि जी ओपन ओपन हैंड्स को होना चाहिए और जो सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक है तो सर ये पहले आप लोगों को सबको पता था सीक्रेट बैलेटिंग है तो कानून साजी करा ले उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग 5 साल हुकूमत में थे आपको पहले ही कानून साजी करा लेंगे आपके पास तो 2/3 मेजोरिटी थी सेनेट जिस वक्त आपके पास 2/3 मेजोरिटी थी पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ आपके नाक के नीचे से सेनेट लेके उड़ गई और आप कुछ ना कर सके तो 1 सेकेंड अब जरा हौसला करें। सेनेटर वलीद इकबाल साहब आप आज की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं किसने किसको बिट्रे किया और किसने किसको धोखा दिया क्या अपोजिशन टूट फूट का शिकार हो गई या इसके बाद आपको लगता है अब ये आवाजें आने वाली हैं कि जी हम पर जुल्म हुआ और हम इसका हमारे ऊपर सख्त दबाव था और हमारे ऊपर एक तीसरी कुव्वत थी और वो हावी थी और इसलिए हमने कारनामा अंजाम दे दिया। आज देखें जी यहाँ एक दो फिक्रे इस्तेमाल हुए हैं अभी कि जी जमहूरियत को या इस ऐवान को बहुत बड़ा धचका लगा है आज या ऐसी कोई बात धचका जरूर लगा है धचका आज नहीं लगा मैं समझता हूँ और हमारी पार्टी ये समझती है कि धचका उस दिन लगा था जिस दिन ये करारदाद जो थी इसको पेश किया गया था ये शुरू से ही ये तरीक़ेकार ही गलत था ये कार्रवाई ही गलत थी और चूंकि ये गलत से मेरा मतलब ये नहीं कि कानून और आइन के खिलाफ थी कानून और आइन का हक था ये करते इसको लेकिन देखें एक ये अपर हाउस जो है ऐवान बाला और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया यहाँ पे कि ऐवान बाला में सबसे संजीदा और समझदार और मतलब तसव्वुर किया जाता है कि सीनियर किस्म के अफराद आते हैं जो सोच समझ के अपनी मतलब उसको करते हैं और डाई हार्ड वर्कर्स ऑफ द पार्टी जी डाई हार्ड वर्कर्स एब्सोल्युटली जी तो बात ये है कि कितनी वो तारीख अगर वो गिन लें 46 साल की तारीख है हमारी पार्लियामेंट की जिसमें कभी इस तरह देखें ना एक तो कानून और आइन तो जो कहते हैं वो कहते हैं लेकिन एक रवायत भी होती है और रवायत का भी पार्लिमानी निज़ाम में बड़ी अहमियत होती है कभी इस तरह की कोई मूव नहीं लाई गई थी और ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी पहले भी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है और सेनेट चेयरमैन अपोजिशन के वोट से आए हैं उस वक्त हम अपोजिशन में थे जब ये इलेक्ट हुए थे संजय रानी साहब इसकी मिसाल मौजूद है 1993-94 में जब बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बनी कुछ देर बाद फारूक लगारी साहब सदर बने और फिर सेनेट के चेयरमैन वसीम सज्जाद साहब इलेक्ट हो गए बावजूद इसके कि पीपीपी वाज इन पावर एट दैट टाइम तो इस तरह तो होता है तो ये रवायात उस पर कायम रहे फिर सेनेट के मेंबरान ये जब कार्रवाई की गई जब ये करारदाद पेश की गई तो बहुत से जो लोग थे अपोजिशन के वो भी नालां थे इस पे नाराज थे और ये सेनेट का एक सेनेट में एक कंटिन्यूटी सेनेट का मतलब है बहुत सी चीजें हैं कि तवाजुन तमाम हाउस ऑफ द फेडरेशन है सारे सूबे एक तरह से रिप्रेजेंट होते हैं उसमें ये नहीं कि जी जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी सीटें ज्यादा हैं दूसरा उसमें कंटिन्यूटी है ये स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी बैलेंस इस तरह की चीजों का ये अपना अलामत है ये ऐवान जो है फिर इसमें इस तरह की तमाशा ये तमाशा डालना वहां पे और कुछ नहीं था ये और आप मेरे ये बाय द वे ये मेरे अल्फाज नहीं है आप पिछले 10-15 दिन के अखबारात खोल के इदारिये ऑप एड की पीसेज अंग्रेजी उर्दू के पढ़े ये तमाशा कि जो अपोजिशन एक तमाशा अपनी रेलेवेंस दिखाना चाह रही है तमाशा क्रिएट कर रही है तो ये फिर लोग नालां थे इस पे इनके अपने लोग नालां थे और ये कहते हैं जो जमीर और रसूल तो लोगों ने फिर इस जमीर और रसूल के ऊपर मैं तो 8-10 दिन पहले ये कह रहा था प्रोग्राम में आप फुटेज निकाल के देखें कि जी ये गिनती जितनी मर्जी हो जाए खाने पे इतने लोग आए इतने लोग खड़े हो गए
लेकिन सीक्रेट बैलेट में जब काउंट होगा तो फिर वो बात कहीं से कहीं जा सकती है, और सीक्रेट बैलेट ऐसी चीज है जिसके प्लसेस भी होते हैं माइनसेस भी होते हैं। आपने ठीक इनसे पूछा कि ये आपने सोच समझ के करना था सीक्रेट बैलेट को। अब देखें पंजाब असेंबली में सीक्रेट बैलेट पे स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो परवेज इलाही साहब को 200 से ऊपर वोट मिले थे, फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो वो शो ऑफ हैंड से था, उसमें तादाद वोटों की कम थी, कोई 180 या 90 के इर्द गिर्द वोट थे, ये पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ। फिर पंजाब असेंबली में सेनेट का एक इलेक्शन हुआ अक्टूबर 2018 में, जिसमें शहजाद वसीम साहब जो हमारे कॉलीग हैं वो इलेक्ट हुए, चौधरी सरवर साहब ने गवर्नर बने, अपनी सीट खाली हुई। फिर उसके एक माह बाद नवंबर में मैं और सीमी एसडी साहिबा हम इलेक्ट हुए, खुफिया बैलेट था तो हमारे 196 हमने एमपीएस गिने हुए हैं अपने, हमारी लिस्ट है, 176 का वोट मिलता है मुझको और 175 इस तरह से 15-20 जो लोग अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं सीक्रेट बैलेट में, लोग अपने इख्तलाफ का इजहार करते हैं सीक्रेट बैलेट के अंदर। वलीद इकबाल साहब, मैं जरा एक साउंड बाइट सुनाना चाहती हूं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आई एग्री, लेकिन हमने यही सुना था ना कि आप, ये जाहिर सी बात है, अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखना होगा कि इनके अंदर कौन सा ऐसा सेनेटर था, लेकिन उसका तरीके कार क्या होगा, मतलब है खुद ये बात वाजे हो जाएगी कि कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज को कि उसने ये कारनामा अंजाम दिया। जाहिर सी बात है ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटीज की अगर आप देख लें एक तरह से इसको इक्वेट कर लें तो जरा मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये मुश्किल है अंदाजा लगाना, लेकिन बाहर आगल अगर ये उनको बेनकाब कर देते तो बड़ी अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो से आप फरमा रहे थे आज के बारे में, एक तरफ हमारे अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है, दूसरा आज हमारा वफाक का सेनेट जो इस वफाक को रिप्रेजेंट करता है, आज वहां एक हमला हुआ, खुलेआम हमला हुआ, 64 सेनेटर्स ने खुला वोट में इलेक्शन में खड़े होकर इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला, लेकिन हर छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में अपने पार्टी के पीठ में चुरा गोंपा है, जो भुरे के पीठ में चुरा गोंपा, उनको नहीं छोड़ेंगे। जी ज्ञानचंद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बिल्कुल भरम नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो एक और बात की कि ये सिलेक्टेड संजरानी जो है चेयरमैन सेनेट, अजीब बात है, अभी आसिफ अली जरदारी साहब पूरी बलूचिस्तान असेंबली उखाड़ कर नवाज शरीफ साहब को धमकियां देकर कि आपके होते हुए ऐसा सेनेट आपकी जमीन के पांव के नीचे से खींच के ले जाऊंगा। सर 12 मार्च 2018, ये कल की बात है, ये 2010 की नहीं, 9 की नहीं, 4 की नहीं, जिया की नहीं, मुशर्रफ के दौर की नहीं, ये पिछले 5 साल की बात भी नहीं, 2018 की बात है, आज आप उसको सिलेक्टेड कह रहे हैं। देखिए एक बात जो अखलाकी तौर पे, जैसे न्याजी साहब ने बात की कि अखलाकी तौर पे आज भी अपोजिशन ने वहां पे अक्सरियत शो की है, अपोजिशन के पास 50 वोट आए हैं जबकि उनके फेवर में, क्योंकि 104 का ऐवान है, एक हमारे मेंबर ने ओथ नहीं लिया है, 100 के करीबन मौजूद थे, अगर इनके 45 वोट जो इनके हक में काउंट हुए हैं उन पे अगर वो बाकी 3 वोट भी इनके हक में गिन लिए जाए तो भी ऐवान का वाज़ह एतमाद चेयरमैन साहब पे नजर नहीं आता। जवाब है ही नहीं जो मेरे सवाल का। नहीं मैं उस पे आता हूँ कि हाँ ठीक है, जो भी माजी में हुआ वो गलत अगर हुआ है तो अब भी गलत होना चाहिए, गलत क्या मतलब है सर, एक सेकंड ज्ञानचंद साहब खामोश हो जाएं, मुझे वाजे जवाब चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तक संजरानी साहब की खातिर आपने नवाज शरीफ साहब को आपने धमकियां दी, आज आप कह रहे हैं नवाज संजरानी भी सिलेक्टेड है, भाई पीपल्स पार्टी एक मौके पे क्यों नहीं खड़ी रहती? कल भी कहा था हमने, पीपल्स पार्टी ने कल जब सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब इलेक्ट में जा रहे थे तो हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी के वोट उनके हक में जाएंगे और हमारी पार्टी ने उनके हक में वोट इस्तेमाल किए। अभी अभी जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव या मोशन ऑफ रिमूवल पेश हुआ तो भी हमने उनसे वो जो सपोर्ट थी वो विथड्रॉ की और अपोजिशन के कैंडिडेट के साथ हम खड़े हुए, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसी सेनेटर ने नहीं किया होगा, अगर किसी ने जमीर फरोशी की भी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। हमारे अपोजिशन में से ये 15 है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी और पार्टी का, हमारे अपोजिशन के पार्टीज में उन 64 में से ये 15 लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ काम किया है, सब पार्टीज ने कमिट किया है कि वो अपनी अपनी सिफों में देखेंगे ये ब्लैक शीप्स कौन सी हैं।
तो यकीनन वो जाहिर हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो ठीक देखें, फोर्स भी चला है यहाँ पे, पैसा भी चला है हमारे यहाँ, तो भी ये बिकने का तो रवाज रहा है। वो तो जाहिर है सर, एक सेकंड ठीक है सर, वो ये कह रहे थे तमाशा है, इस तमाशे के लफ्ज पे मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। आपने कहा हमारे यहाँ बिकने का सिलसिला चला है, 12 मार्च 2018 उसकी गवाही दे रहा है आप, अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे थे पीपल्स पार्टी वाले, आज आप कह रहे हैं बिकने की हमारे यहाँ रवायत है, रवायत तो हमेशा से। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, मैं आपसे वही सवाल करना चाहती हूँ जिसका ज्ञान चंद साहब मुझे वाज़े तौर पर जवाब नहीं दे सके, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि उस वक्त आपकी 2/3 मेजॉरिटी थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीख चीख कर ये बात कह रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और PMLN वालों ने बार बार ये कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। आपको याद होगा 12 मार्च 2018 को नून लीग को शिकस्त, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब, सादिक संजरानी को 57 वोट पड़े और राजा जफरुल हल्क को 46, जबकि आपके वोट ज्यादा थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने क्या इनसे पूछा, क्या आपने इनसे कोई बात पुर्स की कि तहरीक इंसाफ का साथ क्यों दिया, और उस वक्त का इन्होंने आपको क्या जवाब दिया है जो आज फिर ये नौबत आ गई सेनेट की? देखिए जी, पहली बात ये है कि 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में हमें कभी नहीं मिली। मैं असेंबली की बात कर रही हूं, जो था उस पे तकरीबन जी, मैं असेंबली की बात कर रही हूं, ये हाँ समरी में थी लेकिन सेनेट में हमें कभी एक सीट नहीं दी। और जो भी कमीशन में बिल पास होता है यकीनन बाद में सेनेट में जाता है और जब तक सेनेट उसको अप्रूव नहीं करती वो कानून कैसा नहीं बन सकता। उस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ थी, उनका अपना एक मंशूर था। देखो ये जो होती है पॉलिटिक्स, हम हमारे अपने नजरियात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने नजरियात हैं और हमारा जो एक इतिहाद बनता है पोजिशन इतिहाद एक इशू टू इशू होता है। आज हमारा जो आजकल जो पोजीशन इकट्ठी है उसका इशू यह है कि हुकूमत को देखा जाए कि अगर हुकूमत सही सियत में चलती है तो फिर चले, अगर नहीं तो फिर इसके खिलाफ हम इसको घिराने के तक चले जाएंगे। अच्छा, और ये जो उसमें जो सेनेट की जो आज पोजीशन थी उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा सादिक संजरानी से कोई जातीय नात थी नहीं थी, ये तो उसे एक जमहूरी अमल के जरिए हमें ये यकीन था कि सादिक संजरानी साहब को सेनेट में अपनी मेजॉरिटी हासिल नहीं रही और फिर हमने इसको प्रूव किया, वो कि हम उनको हटा नहीं सके लेकिन हमने प्रूव किया कि उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं है। ठीक है, तो चूंकि हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, हम हुकूमत को एक पावर कराना चाहते थे। ठीक है, आप लोग इशू टू इशू साथ होते हैं ना सर, एक बात बताइएगा, ये मेरा बड़ा 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 वाज़े क्वेश्चन है वलीद, इवन आई वुड आस्क यू टू कमेंट ऑन दिस आल्सो, मैं हमेशा ये पूछना चाहती थी सर, आप लोगों ने उस वक्त अपना तो नॉमिनेट किया ही नहीं था सेनेटर, जब सादिक संजरानी को ला रहे थे आप लोगों ने, तो बल्कि पीपल्स पार्टी को फेवर देने के लिए इनके नाम को, मुझे याद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इनके डाई हार्ड वो है चेयरमैन सेनेट रह चुके रजा रबानी साहब, आपने तो कहा कि उनको लगा देते, तो ये तो अपने कैंडिडेट पर भी नहीं मान रहे थे, तो क्या वजह थी उस वक्त, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आप मुझे पूछ रही हैं? नहीं, मैं सर क्योंकि मसला इनका है तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इन्होंने क्यों, मतलब देखे ना सर, अगर मेरी पार्टी है और मुझे ये कहें कि मेरी पार्टी है और मेरी पार्टी के अंदर से एक बंदा मेरा ऑपोजिशन बल्कि नॉमिनेट करके मुझे दे दे, तो मैं तो कहूंगी सत्केवारी फौरी लगा दो, तो उस वक्त इन्होंने क्यों एतराज किया और एक पराए बंदे को ले आए बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान का नारा लगा के, ये पूछ रही हूँ गौस साहब आपसे। ये हम तो दीजिए, हमने तो बलूचिस्तान के देखो उस वक्त भी हमने हमारा कैंडिडेट जो था वो बलूचिस्तान थे, तो ये लाए थे ना पीपल्स पार्टी वाले लाए थे या और फिर PTI ने इनको सपोर्ट किया था न चाहते हुए और फिर आखिर में कहा था वोट दिया था, इनका एक अननेचुरल लेंस था और उन्होंने दिया। हम तो बलूचिस्तान थे, हमारा कैंडिडेट तो राजा जफर हक साहब थे हमारे कैंडिडेट, तो हमने उनका एक हाँ तो हमने उसके मुकाबला किया जमहूरी तरीके से, अगो के हम जीत ना सके लेकिन इस प्रोसेस में एक जीतता एक हारता है तो उसमें। अच्छा सर, मैं इस सवाल को आसान कर देती हूँ, मुझे ये बताएं कि उस वक्त आप दोनों का आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का अनहोली अलायंस था और आज आपका और पीपल्स पार्टी का जो ये होली अलायंस है, ये उस अलायंस में और इस अलायंस में क्या फर्क है?
देखो मैं फिर भी बात हो जाती है ना कि जी आप देखो जिस तरह 2018 में एक इलेक्शन आया और उस इलेक्शन को जिस तरह रिगिंग की गई और जिसकी बेस पे हम इमरान खान को सिलेक्टिव वजीर आजम कहते हैं उसी तरीके को अपनाया गया। हमारा ये था कि इलेक्शन जो 2018 के वो सही नहीं हुए और हमने वहाँ एक मुतालबा किया कि पार्लियामानी कमेटी बना दी जाए, वहाँ पार्लियामानी कमेटी गोरे ने बना दी लेकिन उससे एक साल में कोई काम नहीं किया। इतने हमने पीपल्स पार्टी ने बंदे वापस बुला लिए, वो कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती और हमने उसको उनका मुकाबला करने का कि ये रिगिंग है, हम उस पे जरूर सर वो कह रहे हैं अब हम सड़कों पे आएंगे। सर मैं वलीद मेरे आपने सवाल समझ लिए होंगे। I think for a common person to understand these questions is very easy. आप तो सेनेटर हैं, मैंने जो इन दोनों से सवाल किए हैं वही सवाल मैं आपसे, वो अनहोली अलायंस और इस होली अलायंस में क्या फर्क है? अब देखिए जी उस वक्त कोई होली कोई अनहोली अलायंस नहीं हुआ था जो आप वो मार्च 2018 की बात कर रही हैं जी। उस वक्त इस तरह हुआ था, देखिए हमारा कोई ना कोई इलेक्टोरल अग्रीमेंट था ना कोई अलायंस था विद द पीपीपी। ठीक है, हमने एक छोटे सूबे से हम तो तादाद में कम थे काफी उस वक्त, और अभी भी उससे थोड़े से ज्यादा पीटीआई के हुए हैं, दो तीन और जो आए हैं ये जिमनी इंतखाबात से, पंजाब से ही हम आए हैं तीन और, तो हमारे पास तो थोड़े से सेनेटर्स थे। हमने एक छोटे सूबे से एक उम्मीदवार आए हमने सामने, हमने उन्हें कहा कि जी हमारे वोट आपके हवाले हैं और उन्होंने इत्तेफाक से एक और पार्टी से भी वोट्स ले लिए, ठीक है, और उनको बना लिया, ठीक है। तो हमने आपस में कोई दो पार्टीज ने, हमने कैंडिडेट में और एक असूल पे हमने एक वोट को अपना डेडिकेट किया और उस जिसको हमने सपोर्ट किया इत्तेफाक से उन्होंने पीपीपी की सपोर्ट भी, इसलिए हमारी कोई अनहोली अलायंस नहीं हुई थी। लेकिन उसकी नफी कर रहा हूँ, ठीक, बहरहाल जी वो इलेक्ट हो गए, बात उसके बाद ये हुई कि कोई भी पार्टी के वो कैंडिडेट सादिक संजानी साहब को जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया था, फिर आपने उनको सपोर्ट किया था और पहले इमरान खान साहब फरमाते थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी उसमें अलायंस कोई नहीं थी उसको, आप उस वक्त की उसको इलेक्ट हो गए, वो इलेक्ट हो गए, मेरा ये सवाल नहीं, वो इलेक्ट हुए, मेरा ये सवाल नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज कि जो जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी को उस वक्त जो शख्स पसंद था जिस पे वो एग्रीड थे, आज उसके खिलाफ इतनी ज्यादा आवाज उठाना और उसको बार बार सिलेक्टेड कहने की वजह क्या है? मेरे नजदीक कोई वजह नहीं है, तभी तो ये फेल हुई है ना जी, तभी तो इन पार्टीज के अपने लोग इनसे नालाह थे। दूसरी बात ये देखें, सेनेटर्स जो चेयरमैन सेनेट होते हैं या अगर निचला ऐवान देखें तो स्पीकर अगर होते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कोई जवाब बनता हो भाई उनको रिमूव करने का, कोई उनके ऊपर कोई दाग लगा हो खुदा ना खास्ता, या कोई स्कैंडल आ जाए या कोई सीरियस कोई इंकशाफ हो जाए, या कोई आप कहते हैं कि जी ऐवान को जानिबदारी से चलाया जा रहा है, ठीक है, और ये नहीं अपने फराइज ठीक से सर, कोई इस तरह का जवाब नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने ये, और मैं आप कहूंगा इल कंसीव्ड इन्होंने ये मूव की। और मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा आपको अपना भी इसमें अंदाजा बताता हूँ कि जब 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, ये उसको इससे मिलाते हैं, उधर कोई आरटीएस फेल हुआ और ये यहाँ कौन सा आरटीएस था, यहाँ तो सब सबके सामने सारा कुछ हुआ, सबके सामने वोट्स पड़े, सारे मौजूद थे, आप लोग मीडिया वाले भी देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बात ये है कि 25 जुलाई को अपोजिशन सारी, उसको कॉल्ड उस वक्त तो अपोजिशन नहीं थी, ये सारी पार्टियां जो आप आज की सेनेट की अपोजिशन है ये इकट्ठे हुए और इन्होंने बहुत बड़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी भूल गया होगा वजह क्या है कि उसमें कोई ताकत थी ही नहीं, इन्होंने मुझे नाम भी दिया अपने आप को कि हम फला फला अलायंस बना रहे हैं, आपको याद है क्या? याद है, याद है मुझे, 25 जुलाई 2018 कोई उन्होंने नाम दिया था, मुझे वो नाम नहीं भूल, नाम भूल गया क्योंकि वो कभी वो अलायंस आगे अमल दरामद हुआ ही नहीं उस पर, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीरे आज़म अभी नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने कहा था ये मुझे इनकी शक्लें और इनकी आइडियोलॉजीज को मैं जानता हूं, मैं भी इनके साथ रहा हुआ हूं स्ट्रगल में, कभी ना कभी जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में है, क्या ये कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते? और आज उन्होंने यही सबूत दिया कि ऑपोजिशन इज नॉट यूनाइटेड, इनके अपने लोग इनकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ, ज्ञानचंद साहब क्योंकि इन्होंने गलत ये सोचा गलत इसको। जी सर कमेंट, ठीक है
किसी ना किसी वक्त में इधर उधर की बातें हुई हैं, लेकिन जिस ऐवान की आज की वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, वहां पे चेयरमैन सेनेट को 53 मेंबर्स की वाज़ह पोजीशन चाहिए थी। कानून में बता के कानून में लिखा हुआ है कि उनको रिमूव करने के लिए भी 53 चाहिए, लेकिन जो वोटिंग की रिजल्ट्स हैं उसमें अगर जो रिजेक्टेड वोट हैं उनको अगर कंसीडर किया जाए, भाई किसी साइड पे नहीं है, तो बाकी इतने वोट बचते ही नहीं है। जो चेयरमैन सादिक संजरानी साहब कहें कि इतने एब्सेंट थे वो मेरे खाते में गिनो, वोटिंग सवाए 3 मेंबर्स के बाकी सब की वोटिंग हुई है, उसमें सादिक संजरानी साहब अक्सरियत साबित नहीं कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये सिलेक्टेड हम जब कहते हैं तो इस वजह से भी सिलेक्टेड हैं कि वो 53 मेंबर्स के एतमाद के साथ चेयरमैन नहीं है, अगर वो चेयर पे बैठते हैं कोई अखलाकी जवाब नहीं है। हाँ, अभी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, आईन में जाएंगे, हमारे सेनेट के रूल्स में जाएंगे, तो फिर तो कोर्ट्स जब डिसाइड करें, लेकिन इस वक्त का चेयरमैन 53 मेंबर्स की जो अखलाकी जवाब नहीं रखता है, क्या ऑपोजिशन का अखलाकी जवाब रह गया? तौर पे उनके आज भी इस्तीफा देना चाहिए, वो सेनेट होने का अखलाकी जवाब गवा चुके हैं। सर, कानूनी तौर पर अदम एतमाद की हक में जो पड़ता है ना वोट, वो काउंट होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन को बाकी जो वोट जो ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है आज, सर क्या उनको नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए? जी वलीद, यू वांटेड टू से समथिंग? बाकी मानदा वोट्स हैं कितने, वो अगर तस्वर कर दिए जाएं कि वो सादिक संजरानी को सपोर्ट करते हैं तो भी 53 नहीं बन रहे हैं। वलीद, वो कह रहे हैं आपको अखलाकी तौर पर मुस्तफी हो जाओ, ठीक है, आप एतमाद खो चुके हैं, चले आप वलीद साहब, वो कह रहे हैं आपके चेयरमैन एतमाद खो चुके हैं। मैं देखें, मैं समझता हूं, और मैं आज से 8-10 दिन पहले भी कुछ एक दो प्रोग्राम्स पे आया था, तो मुझे अपना मेरा मौकफ यही था, और ये इस पे सोचने वाली बात है कि सबसे ज्यादा PMLN के हवाले से मैं इतना नहीं हूं, इनके लिए फिर भी एक महफूज रास्ता, बल्कि इसका सामना करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए जवाब मौजूद है, लेकिन PPP के लिए सबसे एम्बेरसिंग बात यह कि खुद उनको इलेक्ट किया और कहते हैं सिलेक्टेड है। ये देखे ना, सबसे ज्यादा एम्बेरसमेंट, सबसे ज्यादा मुश्किल जो है अखलाकी तौर पे, अब अखलाकी की बात आई है तो अखलाकी तौर पे सबसे ज्यादा मुश्किल इनके सेनेट के अराकीन को हुई होगी कि पहले हमसे इनको वोट डलवाया और अब हम ही से इसको फारग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस आदमी ने कोई इनको जवाब नहीं दिया अपने कॉन्डक्ट में, अपने हिसाब किताब में, ये बिल्कुल, बल्कि हमारे गवर्नमेंट के बेंचेस को वो मुश्किल देते थे और हमारे मिनिस्टर्स को वो टफ टाइम बहुत ज्यादा देते थे, और हमें शिकायत रहती थी उनसे ज्यादा, इनको नहीं इतनी शिकायत थी। जिस टाइम और ऐसे तरीके से उन्होंने था, उस टाइम पे हम लोग अपोजिशन में थे, नून लीग पावर में थी और हमारे अपोजिशन पार्टीज का अलायंस बना था, जब ये पावर में आ चुके हैं तो हमने अपना जो सपोर्ट उनको था वो वापस ले लिया, हमारे अपोजिशन पार्टीज ने डिसीजन किया, इस वजह ये बातें करने से सेनेट चेयरमैन के 53 का एतमाद का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो जाकर बैठ जाए, इमरान खान साहब के लिए चले सर, अब तो ये देखना है ना कि आपकी सफों में जिसने पीठ में बकौल पीपल्स पार्टी के, जिसने अपनी पीठ में अपनी पार्टियों के छुरे घोपा, उसको आप लोग किस तरह बेनकाब करेंगे, उनके नाम मीडिया पे कब लेके आएंगे और उनकी सजाएं क्या होंगी और उनसे सेनेट की सीटें कब वापस ली जाएंगी, इस पर होगी अब आवाम की नजर। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।